मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं बजट की ये खास पेशकश, जहां पर आज मैं स्टूडियो में नहीं हूं, आज मैं एक पार्टी में हूं। जी हां, मैंने एक पार्टी क्रैश की है और ये है एक किटी पार्टी। और शिल्पा के घर में आई हूं और जहां पर ये बहुत खूबसूरत महिलाएं और एक हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ है और ये किटी पार्टी का हिस्सा नहीं है, इन्हें मैं लेकर आई हूँ। बट फिर भी पार्टी आप लोग कर रहे हैं, मुझे बताइए कि आज का टॉपिक क्या है और किस तरह से आप लोगों ने पैंडेमिक के बावजूद भी मिलना मिलाना जो है बरकरार रखा, बताइए। हाय कविता, आज हमें बहुत 2 सालों बाद हमने गेट टुगेदर रखा, ये पार्टी रखी है बिकॉज वी आर ऑल वैक्सीनेटेड, फुली वैक्सीनेटेड। सो थोड़ा सा समय ताकि एक दूसरे से बात कर सके, थोड़ा सा इंटरेक्शन कर सके, सो दैट बिकम्स हेल्दी। एब्सोल्युटली। तो किटी पार्टीज में अमूमन मैं देखती हूँ कि बहुत सारी बातचीत होती है, फन होता है, गॉसिपिंग होती है, अलग अलग टॉपिक्स पे आप लोग डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, कैचिंग अप टाइम है क्योंकि। तो आज का टॉपिक क्या है, किस पर? आज हमारा टॉपिक है अपकमिंग बजट। इंटरेस्टिंग, ओके, व्हिच इज व्हाई मैं भी यहाँ पर हूँ और हर्ष भी यहाँ पर है, बिकॉज पैंडेमिक के कारण बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, काफ़ी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। सो वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि क्या अपकमिंग बजट में होना चाहिए, गवर्नमेंट से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो वी आर लाइक ऑल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, तो सब अपने अपने फील्ड्स और एरियाज की बातें डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो देरी किस बात की, यहाँ पर पार्टी भी हो रही है, साथ में बजट की एक्सपेक्टेशंस को लेकर डिस्कशन भी हम शुरू करते हैं। सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं मेरे साथ और एक एक करके उनकी मांगे सुनते हैं। तो काजल, आपसे शुरू करते हैं, चलिए। हाय, मेरा नाम काजल है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ एंड रियल एस्टेट में ज़्यादातर मैं काम करती हूँ। सो अगर मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन है इस तरफ, इस टाइम के बजट से लेकर, तो वो है कि होम बायर्स को थोड़ा और छूटछाट मिलना चाहिए। द थिंग इज़ कि अफोर्डेबल जो टैग लगाया गया है उसका डेफिनेशन बहुत क्लियर नहीं है कि आज जो अफोर्डेबल टायर 2 सिटी या टायर 3 सिटी में होएगा उसको अफोर्डेबल टायर 1 में नहीं बोल सकते हैं। जैसे मुंबई जैसी सिटी में 45 लाख रुपीज़ का घर, उसको जैसे आप अफोर्डेबल जिसपे 1% GST है वो नहीं एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर अपने घर के वैल्यूज ही 70-1 करोड़ से ज़्यादा होती है, उसकी वजह से यहाँ पर होम बायर्स को ज़्यादा बेनिफिट बैंक से नहीं मिलता है। दो बैंक के भी परसेंटेजेस फॉर होम लोन्स आर लेस, बट फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए 35 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं होना चाहिए, या प्रिंसिपल पेमेंट जो होगा 2 साल तक होगा 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसमें ज़रा बढ़ोतरी होगी ना तो ये इंडस्ट्री ज़्यादा काम कर पाएगी। स्टैम्प ड्यूटी की जो छूटछाट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी उसकी वजह से वी हैड लैक्स एंड लैक्स ऑफ रजिस्ट्रेशन दैट टुक प्लेस। इट वॉज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग थिंग, किसी ने सोचा नहीं था कि कोविड टाइम में ऐसा होगा, बट हुआ। तो ये एक्चुअली पुश रखेंगे ना तो ये एक इंडस्ट्री है जहाँ पे 300 एंसिलरी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है। हम लोग जहाँ जितना एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे दे सकते हैं ना वो और कोई इंडस्ट्री नहीं दे पाएगी। सो ये अगर एक छोटा सा पुश अगर गवर्नमेंट करती है तो बहुत उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टाइम में देखने को डेफिनेटली मिलेगा। चलिए, होम बायर्स के अलावा और क्या मांगे आपके? पर्सनल लेवल पे जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ देखती हूँ कि नो सेविंग्स के लिए 1.5 लाख का लिमिट, कमऑन यार, 1.5 लाख कहाँ, कैसे, क्या? हमारा आज के तारीख में ज़रा अगर सेविंग्स का लिमिट बढ़ा देंगे तो जो अपना इनकम है, इनकम एक्चुअली हम लोग पुश करने के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन सेविंग्स और टैक्सेस में ही हम लोग ज़्यादातर मार खा रहे हैं। तो अगर हम लोग का ये जो 1.5 लाख का लिमिट ATC में है उसको बेनिफिट दे के 3-3.5 लाख तक अगर पुश कर दिए, तो हमारे प्रीमियम्स है LIC के, PPF में इन्वेस्टमेंट्स है, स्कूल की फीस है, उसमें हम लोग को बहुत राहत मिलेगी विच इज़ एक्चुअली ईटिंग इन टू आर कैपिटल। सो येस, डेफिनेटली वो लुक फॉरवर्ड टू दैट फॉर श्योर। और कोई मुद्दा आपका? No, that's about it. I'll give it to the others to care. उससे पहले मुझे हर्ष से बात करनी है। होम बायर्स के लिए तो वाकई कुछ ना कुछ करना चाहिए क्योंकि अभी जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें हमने देखा है कि घरों को लेकर मांग बढ़ रही है। देखिए, एक तो असर हुआ है पैंडेमिक का, जहां पर एक तो वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर शुरू हुआ है तब लोगों को एक एक, एक बेहतर घर की अपेक्षा जो है, उम्मीदें जो हैं वो बड़ी हैं। लोगों ने घर खरीदने शुरू किए हैं एक तरह से। अलग अलग शहरों की मैं बात करूँ तो अलग अलग तरह की रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड कहानियां बन रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसको अभी भी पुश मिलना बाकी है, तो इस पर कितना फोकस करना चाहिए?
कविता, काजल ने सही कहा कि ये जो इंडस्ट्री है ये अपने आप में नहीं है, इनके जो एंसिलरी जो 300 अदर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती हैं और कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, कैपिटल यू नो फोकस्ड होता है, सो कैपिटल गुड्स को भी बहुत ज़्यादा यू नो डिमांड बढ़ती है. सो इट इज़ राइट एंड आई अग्री कि एक पॉइंट से मैं अग्री कर रहा हूँ कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपने ऑल इंडिया में कर रखा है. तो अगर आप टीयर वन टीयर टू टीयर थ्री सिटीज़ की बात करें तो एक घर जो है जो मुंबई या कोई भी दूसरी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है उनका टिकट साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है. सो वो अफोर्डेबल हाउसिंग के डेफिनेशन में आती नहीं है. एक ऐसा कोई शहर हो सकता है देश में जहाँ पे जो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो लिमिट है वही हाई एंड अपार्टमेंट हो सकता है. सो आई अग्री विद दिस पॉइंट कि उसे यू नो टीयर वाइज या सिटी की जो प्रोमिनेंस है, फाइनेंशियल यू नो स्टेटस है या पॉपुलेशन है या यू नो लैंड प्राइसेस है उससे लिंक कर देना चाहिए ताकि सबको ये अफोर्डेबल हाउसिंग के डेफिनेशन के में कवर कर सके. सो मुंबई फॉर एग्जांपल, अगर हम मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी देखें, सो अफोर्डेबल हाउसिंग मेरे हिसाब से वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 75 लाख फॉर इंस्टेंस, और यही 75 लाख कोई दूसरे शहर में कुड बी हाई एंड अपार्टमेंट. सो वन थिंग आई थिंक ये जरूरी है. दूसरा जो काजल ने टैक्स के एलिमेंट की बात की कि उसमें जो 2 लाख की लिमिट है अंडर सेक्शन 24, वो लिमिट को भी अभी बढ़ा देने की जरूरत है क्योंकि हाउस प्राइसेस से लिंक करना है आपको. सो आई थिंक यस, और एज एन इंडिविजुअल ऑफ कोर्स एक टैक्स पेयर क्या चाहता है, वो चाहता है कि मेरे हाथ में पैसे बढ़े बच जाए. जितने उसके हाथ में पैसे बचेंगे वो इकोनॉमिकली इनडायरेक्टली भी अच्छा ही है क्योंकि वो स्पेंड करेगा एंड इकोनॉमीज ग्रो व्हेन देयर इज स्पेंडिंग. और एक अदद घर का सपना तो हर किसी का होता है. दूसरा, उन्होंने कहा कि एटीसी की लिमिट वहां बढ़ाई जाए, तो 2015 से जस की तस ही है, बिल्कुल नहीं बढ़ी है. ना ही इसमें जो निवेश के विकल्प है वो बढ़ रहे हैं और ना ही इसकी लिमिट बढ़ रही है. तो अब तो हाई टाइम है कि इसको बढ़ाया जाए. सो इनफैक्ट मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ ये बढ़ा क्यों नहीं. एग्जैक्टली, कोई नहीं समझ पा रहा. हाँ, आई डोंट नो कि आप बाकी सारी लिमिट्स पे ध्यान दे रहे हैं. हम फोकस रखते हैं कि हमें सेव करना है. आई मीन ये सरकार का उद्देश्य रह चुका है. वो ये भी कह रहे हैं हमेशा कि सोशल सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करनी चाहिए वो सारी हमारी देश में इतनी यू नो सोफेस्टिकेटेड या इतनी डेवलप्ड नहीं है. बिल्कुल भी नहीं. सो एक इंडिविजुअल को अगर खुद से ही अगर प्लान करना है, उनके रिटायरमेंट की बात कर लें, उनके बच्चों की एजुकेशन की बात कर लें, जो ATC के पहलू हैं. सो आप ट्यूशन स्कूल की फीस जो भरते हैं वो ATC में आता है, आपके रिटायरमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ATC में आते हैं. आपको अपने रिटायरमेंट NPS पर एडिशनल 50,000 दिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं NPS को भी लेकर बहुत ज्यादा लोकप्रियता में बहुत कंसर्न्स हैं. अभी भी वो ऐसी स्कीम नहीं है जहां पे लोग निवेश करना चाहें अपने रिटायरमेंट. एब्सोल्युटली. सो NPS जो है वो ATCCD 1B में जो अलग से सेक्शन दिया प्रोविजन दिया है, दैट इज एसेंशियली कि NPS को बढ़ावा देने के लिए. अगर आपको सेविंग्स में बढ़ावा देना है किसी को, तो उनको ऑप्शन दे दीजिए कि आपको कहीं भी प्रोडक्ट में, कोई भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है. कोई चाहता है कि PPF से मैं इन्वेस्टमेंट करूं और मेरे बच्चों की पढ़ाई की फीस भी भरनी है, तो दोनों क्लब करेंगे, 150 में आता ही नहीं है. सो आप अगर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तब आप एक सेपरेट सेक्शन बनाते हैं. आप अगर जनरल सेविंग्स में प्रमोट करना चाहते हैं तो आप ATC की लिमिट बढ़ा सकते हैं. सो यस, ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा आई थिंक टाइम आ चुका है कि आप ATC की लिमिट बढ़ाएं. और आई होप कि ये इनफैक्ट अभी जो हमने बात की थी पहले कि 2 टैक्सेशन सिस्टम चल रहा है. तो नए टैक्स रेजिम में तो सेविंग्स का कोई प्रोविजन ही नहीं है. सो आई होप जितनी हम यहाँ बातें कर रहे हैं ऐसा ना हो कि वो पुराना सिस्टम को अबॉलिश ही कर दें, बोले कि सब नया सिस्टम है तो ATC रहे ही नहीं, ऐसा नहीं हो. सो आई एम होपफुल. तब मेरे ख्याल से निवेश करने पर कुछ और छूट मिलनी चाहिए, उसकी रियायतें अलग से मिलनी चाहिए हमें, उसके लिए टैक्स बेनिफिट के लिए अलग कुछ आना चाहिए अगर ऐसा होगा तो. क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बचत और निवेश करने की जो आदत है वो तो छूटनी ही नहीं चाहिए. और हम तो फिर भी यहाँ प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं जो नए नए इस वर्क कल्चर में आ रहे हैं, उन बच्चों को इसकी आदत डालना बहुत जरूरी है. एंड जब तक ये कंपलसरी होता है ना, जब आपके टैक्स आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपसे कहता है कि भाई प्रूफ सबमिट करो तो मैं टैक्स काट रहा हूं, तो तब जाके सब इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो वी आर रियलाइजिंग कि अपने आप से बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो इन्वेस्ट करते हैं. जब तक उन्हें कुछ टैक्स डिडक्शन का कुछ अगर यू नो कुछ स्टिक उनके सर पे उनका अकाउंट डिपार्टमेंट नहीं मारता, तब तक वो इन्वेस्ट भी नहीं करते. सही बात. सो आई होप जैसे मैंने कहा कि पुराना टैक्स सिस्टम हट नहीं जाए, वो एक ज्यादा बड़ी चीज है आज की तारीख में. राधर देन जो हम बात करेंगे लिमिट बढ़ा दो, पता चला हम लिमिट बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, उन्होंने पोल टैक्स सिस्टम ही हटा दिया. मैं कहना चाहूँगी कि वुमेन वो नेचुरल सेवर्स होती हैं. सो मेरा ये सजेशन रहेगा कि वुमेन को नेचुरल सेवर्स के ट्रांसफॉर्म करके नेचुरल इन्वेस्टर्स में कन्वर्ट किया जाए टू गेट देम मोर देम
इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, जैसे पिछले दो सालों का रिकॉर्ड है, 16 से 24% तक वुमेन ने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया है. सो अगर गवर्नमेंट को इनको इनक्रेज करना है टू कम एंड इन्वेस्ट, दे शुड गिव एडिशनल टैक्स बेनिफिट्स टू देम. एट द सेम टाइम उनको सोशल सिक्योरिटी भी हो जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट भी मिल जाता है. एंड सेकेंड मेरा पॉइंट ये रहेगा कि जो बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है, उसे जैसे लास्ट 7 सालों से उसे रिव्यू नहीं किया गया है. एंड 7 सालों में कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना बढ़ गया है हम सभी जानते हैं. सो ये बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट हमेशा बजट के टाइम अनाउंस की जाती है. तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि बजट में ना अनाउंस करके इसे इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ लिंक कर दिया जाए. जैसे काफ़ी उदाहरण है, जैसे गवर्नमेंट रोज फ्यूल प्राइसेस रीसेट कर रही हैं, सरकारी कर्मचारियों का ड्यूनस अलाउंस वो भी CPI से लिंक्ड है. बिल्कुल, तो यहाँ पर भी इसको लिंक किया जा सकता है. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, खासतौर से महिलाओं को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना अब तो मेरे ख्याल से जरूरी भी हो गया है कि हम महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा के बारे में सोचे और सशक्तिकरण के बारे में सोचे. इस तरह का प्रावधान पहले कभी भी नहीं था और अभी भी आने की कितनी गुंजाइश है. सो इनफैक्ट आई एम होपफुल, क्योंकि हमारी वित्त मंत्री जो है वो खुद एक महिला है. So, ये प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगी. एंड इनफैक्ट यू नो ये एक प्रोविजन डेफिनेटली कर सकते हैं अगर चाहें तो. हाँ. कि आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो स्टैंडर्ड जो बिलो 60 इयर्स ऑफ एज है उनकी 2.5 लाख रुपए हैं. हाँ. तो उसमें अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख रुपए हैं अगर 60 इयर्स एंड अबव हैं. सो अगर आप चाहते हैं कि विमेन को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले और उनको आपको अलग से कोई फायदे देने हैं, तो आप विमेन टैक्स फाइलर्स को आप टैक्स लिमिट जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से आप 50,000 बढ़ा दें. कि बोलिए कि ऑल सिटीजन्स आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मान लीजिए 2.5 लाख रुपए ही है, तो अगर आप विमेन टैक्स फाइलर हैं तो उनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए है. ये करना मुश्किल नहीं है क्योंकि इट इज़ नॉट समथिंग डिफिकल्ट. अब ये इशू होता है कि जो दूसरा इन्होंने कहा कि आपकी जो 2.5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, आप ये क्या कह रहे हैं अपने अपने देशवासियों से? आप ये कह रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए तक आप अगर कमाते हैं तो मुझे टैक्स देने की जरूरत नहीं है, 2.5 लाख रुपया आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो सरकार को आपको टैक्स भरना है. तो आई थिंक टाइम इसका भी आ गया है कि आप ये जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उसे आप बढ़ाएं, क्योंकि 2.5 लाख सफिशिएंट डेफिनेटली नहीं है. अगर आप कह रहे हैं कि जो आदमी 20,000 रुपया महीना तक कमा रहा है वही एक ऐसा इंसान है जिससे सरकार को टैक्स नहीं लेना चाहिए, तो वो लिमिट खर्चे देखते हुए इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आपको एक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाना होगा. एंड आई ऑल्सो लाइक द प्रपोजल दैट शी स्पोक अबाउट, कि ये कह रही है कि हम क्यों ये डिस्क्रिशनरी रखें कि हर बजट में सरकार के भरोसे हैं हम कि भाई किसी को अच्छा लगा तो एक दिन आके कहेंगे और अगर इलेक्शन ईयर है तो डेफिनेटली बढ़ाएंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए. जब आप डियरनेस अलाउंस को लिंक करके रखे हैं इन्फ्लेशन से, सो क्यों ना हम एक स्टैंडर्ड बना लें कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपकी मान लीजिए 2.5 लाख रुपए हैं, तो उसे अगले साल ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन CII का जो इंडेक्स है आप उससे आपकी लिमिट बढ़ जाएगी. सो डिस्क्रिशनरीनेस निकल जाता है कि भाई हम हर फरवरी में वेट करते हैं कि भाई आज हमारे लिए क्या होगा, तो हमें क्यों ना इसका एक रोड मैप मिल जाए पहले से ही. सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव इंटरेस्टिंग इंपोर्ट है. चलिए हमारे पीछे डॉक्टर साहिबा भी हैं. जी डॉक्टर. या मैं एक्चुअली सिर्फ हेल्थ के बारे में बोलना चाहती हूँ. आई एम नॉट अ इकोनॉमिस्ट बट मैं कोरोना को बहुत ही पास से देखी हूँ. तो एक चीज़ है, बहुत ही ज़रूरत है, जो मैं ये प्रपोज करना चाहूँगी कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हम लोगों ने मिडिल सेक्टर लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा जो दे कुड नॉट अफोर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स ड्यूरिंग कोरोना एंड वी लॉस्ट सो मेनी लाइव्स बिकॉज ऑफ दैट. सो दिस इज़ एन अलार्म बेल. मतलब ये हम लोगों को एक ये सीखना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस शुड बी अफोर्डेबल फॉर एवरीवन. सबको मतलब इट शुड बी अफोर्डेबल एंड प्रीमियम बहुत ज़्यादा होने के कारण तो मतलब लोग बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और उनको ये टाइम पे आई नो दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष्मान जैसी स्कीम है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, लेकिन ये जो स्कीम है ज़रूरत जब पड़ती है तो वो मतलब लोगों को नहीं मिलता है एंड दिस इज़ द ट्रूथ. तो इसके अलावा हम लोग जैसे हेल्थ इंश्योरेंस शुड बी अफोर्डेबल टू एवरीवन एंड ऑल्सो द प्रीमियम एंड GST, इसको मतलब इफ़ यू कैन एग्जेम्प्ट और इफ़ यू कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ समथिंग
इनोवेटिव। चलिए, तो यहाँ पर महंगाई तो हमेशा से एक मुद्दा रहा है हर आम आदमी के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करने की, उनको एनकरेज करने की बात है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने पैंडेमिक में वाकई इस वर्कफोर्स में इजाफा होते हुए देखा है। इसके लिए कड़े कदम बजट में आए ना आए, लेकिन बजट के बाद ही सही आने जरूर हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने मांग की है कि GST की रियायत उनको दी जाए, वो कैसे अमल में लाया जाए? सो आई थिंक कविता जो ये रिफर कर रही है GST का, वो ये है कि अगर आप अपना बिजनेस टर्नओवर देखें, सो 20 लाख या 40 लाख जो लिमिट है वहाँ तक तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन क्योंकि ये ऑनलाइन बेच रही हैं तो उनका वहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो पेमेंट करता है वो जीएसटी काट के इनको पेमेंट कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इनकी जरूरत नहीं पड़ रही है फ्रॉम अ टर्नओवर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? एम आई राइट? दैट इज व्हाट वी टॉकिंग अबाउट। सो यस, आई थिंक ये एक केस बनता है टू रिकॉग्नाइज दैट फैक्ट कि ये होम एंटरप्रेन्योर्स हैं एंड वी वॉन्ट टू एनकरेज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पर्टिकुलरली। तो अगर घर से कुछ काम करें जिनका टर्न ओवर GST की लिमिट्स में नहीं आता है और ये जो बेचने का माध्यम है वो ऑनलाइन अगर बेच रहे हैं तो वहाँ पे कोई एग्जेम्पशन हो, जहाँ पे अगर कोई डिक्लेरेशन देते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि हम एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं जिसमें ये डिक्लेयर हो जाता है कि भाई आपका लिमिट नहीं है, आप वो GST की लिमिट में नहीं आते हैं। तो अगर ये जैसे MSME रजिस्ट्रेशन है, सो अगर वो ऐसा कोई डिक्लेरेशन देते हैं तो उनका जो 12% कट के आता है वो ना कटे, और एट द सेम टाइम वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को दिक्कत नहीं आई, ऐसा नहीं हो कि उन्होंने कोई रेगुलेटरी कंप्लायंस को पूरा नहीं किया हो। सो आई थिंक क्योंकि यू नो यूजुअली हम देखेंगे होम जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी कम होती है, आई मीन इट्स मोर, इट्स नथिंग टू डू विद ऑर्गेनाइज्ड बिजनेसेस कि भाई वो मार्केट डोमिनेंस है, वो अपनी प्राइसिंग पावर है उनके पास कि भाई वो अपना भाव बढ़ा सकते हैं, वैसा नहीं होता। सो आई थिंक ये एक एरिया है जहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पर्टिकुलरली, और जैसे किरण ने कहा कि जो पैंडेमिक में जॉब कट्स हुए थे, जो आंकड़े शेयर किए उसमें कहें कि वुमेन जो जॉब लॉस हुआ वो ज़्यादा हुआ एज कम्पेयर टू मैन, तो अगर वो घर पे काम शुरू करती हैं अपना, और कुछ महिलाओं ने खुद भी अपनी जॉब छोड़ी है क्योंकि वो वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं कर पा रही थी, घर में बैठकर काम करें या घर को देखें बच्चों को संभालें, तो उन्होंने खुद ही वॉलंटरीली अपनी जॉब्स भी छोड़ी है और उसके बाद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए घर से कुछ किया है। तो सबसे पहले तो उस एफर्ट को सलामी Absolutely. और उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार को अपनी तरफ से कुछ इतना रीजनेबल रिक्वेस्ट है या डिमांड है इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि अगर हम वो लिमिट में आते ही नहीं है तो आप सेलर जो हमसे खरीद रहा है रादर वो हमें अगर काट के पेमेंट कर रहा है 12%, तो वो इट इज़ अननेसेसरी। वो चीज़ अगर बच सके एंड उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो हर्ष, यहाँ पर विमेन इन्वेस्टर्स की बात हो रही है साफ तौर से, मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर बैठी कौन सी महिला है जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करती है, आप लगाती हैं? हाँ। तो आपको तो सवाल बनता है या आपकी क्या मांग है? चलिए आपको पहले माइक दे देते हैं, ये लीजिए। ओके कविता, क्रिप्टो में मैंने अभी बस थोड़ा टाइम पहले ही इन्वेस्ट किया है, तो मुझे बस ये कहना है, मुझे उतना ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि वो रेगुलेटेड नहीं है, कोई भी उसके लिए लॉ नहीं है, तो मेरे हिसाब से कुछ इसके लिए लॉ लाना चाहिए ताकि वी नो वेयर वी स्टैंड और हम लोग का जो व्हाट वी आर इन्वेस्टिंग दैट इज़ सेफ और कोई हमसे कुछ धोखाधड़ी नहीं करे, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकता है, मेरा ये सवाल था। मैं क्रिप्टो के सवाल को लेके आगे जाऊं हर्ष के पास, यहाँ बताइए कि म्यूचुअल फंड में कितनी महिलाएं निवेश करती हैं? म्यूचुअल फंड, चलिए, तो यहाँ पे 4:1 का रेशियो है। सो इट इज अ वेरी गुड थिंग and in fact I think investing in crypto is also a good thing, बशर्ते कुछ clarity आ जाए। So obviously देखिए, कोई भी चीज में आप जब निवेश करते हैं ना, ये बहुत जरूरी होता है कि उस प्रोडक्ट को रेगुलेट कौन कर रहा है। हाँ। हमेशा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कुछ भी आपके साथ गलत होता है आप जाके अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करेंगे? सो कैपिटल मार्केट्स है तो SEBI है, इंश्योरेंस है तो IRDA है, बैंकिंग है तो RBI है। सो आपके पास एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके एक नियम कानून बहुत क्लियरली बताने चाहिए। सो मैं इनफैक्ट यू नो पहले भी हमने काफी जगहों पे काफी फोरम्स में बात की है जिसमें हमने कहा है कि जब तक क्रिप्टो के बारे में क्लियर आपकी गवर्नमेंट एक रेगुलेशंस नहीं लाती तब तक उसमें आपको इन्वेस्ट या ट्रेड नहीं करना चाहिए। लोग उसमें कहते हैं कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, बट आई वुड स्टिल कॉल एट दिस जंक्शन, जब आप क्रिप्टोस खरीदते हैं, वी डोंट नो कि व्हाट इज इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो फर्स्ट ऑफ ऑल। करेक्ट, उसमें इन्वेस्टमेंट क्या की जा सकती है, कि ट्रेडिंग की जा सकती है या किस तरह से उसे ट्रीट करना चाहिए, उसको लेकर ही क्लैरिटी नहीं है। इनफैक्ट टैक्सेशन में भी काफी क्लैरिटी, जो मुनाफा कमा रहे हैं, बिल्कुल। सो मैं तो ये मानता हूं कि मुझे यही नहीं आज तक समझ में आया कविता कि क्रिप्टो है क्या, मतलब इसे आप करेंसी कॉइन ये सब जो नाम दे रहे हैं उसको कॉइन का नाम देके आप उसे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना रहे हैं कि भाई एक पैसा बन गया। सो आई डोंट थिंक, इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो जो
करेंसी इशू का जो राइट्स होता है, जो हक बनता है, वो सिर्फ सरकार का होता है। सही बात। आज आप और मैं बना खड़े होके कल से कोई करेंसी बना लें तो इट बी केओस इन द इकोनॉमी। सो करेंसी कॉइन क्या होता है? इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि आप एक नोट किसी को देते हैं और वो उसके सामने आपको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, तो एक लीगल टेंडर है वो। सही बात है। तो आज कविता, कल आप उठ के आप अपना खुद का एक करेंसी चालू कर देंगी, कल मैं अपनी करेंसी चालू कर दूंगा, सो ये देश में तो केओस हो जाएगा। दूसरा, उसके फ्रॉड को लेकर क्रिप्टो, ये आपका जो बिटकॉइन अगर मान लीजिए वो किसने बनाया, वो गायब हो गया, उसका कॉइन भी गायब हो गया, इंसान भी गायब हो गया, उसको लेके आपका कोई भरोसा नहीं है, तो देयर इज नो सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। वो तभी आएगा जब आपके पास एक रेगुलेटरी बॉडी हो जो इसको रेगुलेट करे। सो इनफैक्ट इसे एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट तो बताना ही नहीं चाहिए, इट इज प्योरली गैम्बल अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप पूछेंगे, क्योंकि उसको मालूम नहीं कि वो उसके रेट्स बढ़ते घटते किस तरह से, उसके फंडामेंटल्स क्या है, फंडामेंटल्स क्या है। तो अगर कोई कहता है कि मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आई वुड से आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी एक ट्रेडिंग और एक गैम्बलिंग की जो आपकी इच्छा है ना उसको फुलफिल कर रहे हैं। अच्छा, किस शख्स को यहाँ पर क्रिप्टो में पैसे डालने चाहिए? चलिए, मैं मानती हूँ कि बुनियादी पोर्टफोलियो का हिस्सा वो नहीं हो सकता है, ठीक है, वो आपको एक जो हमारी बेंचमार्क एसेट क्लासेस हैं उसी में ही आपको निवेश करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कोई अगर एक्सपेरिमेंट ही करना चाहता है या एडवेंचर करना चाहता है, तो किस तरह का शख्स होना चाहिए, उसका पोर्टफोलियो पहले से कैसे बना होना चाहिए कि जिससे वो ये रिस्की निवेश अगर मैं कहूँ तो उसमें हाथ लगाए? सो आई थिंक जब आपकी जिंदगी की सारी जरूरतें पूरी हो चुकी हों जो कि उसके बाद फॉर्मूला क्या है, जिसका फॉर्मूला क्या है, तो सो जब जिंदगी की आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी है और सारी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, फिर कुछ अगर आपके पास पैसे बचते हैं, हर ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, तो उसी लिहाज में मैं, आपने जो पूछा कि ऐसे कौन से ऐसे शख्स हैं जो कर सकते हैं, मेरे हिसाब से किसी को जब तक, जैसे मैंने कहा कि कोई आपके देश की सरकार उसे रिकग्नाइज नहीं करती है, तब तक आपको कोई भी ऐसी चीज में पैसे नहीं लगाने चाहिए। इनफैक्ट कविता, एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा, क्रिप्टो करेंसी एक एंटी सोशल एक्टिविटीज की बहुत बड़ी करेंसी बन चुकी totally. है। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये आपका फर्ज बनता है कि आप ऐसी कोई भी चीज को बढ़ावा ना दें जिससे एंटी सोशल, एंटी कंट्री, टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंडिंग होती है। सो अगर जितनी मैंने कहानियां सुनी है, ये डार्क नेट पे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स के, वो आपके क्रिप्टो करेंसीज में होते हैं। तो अगर आप उस करेंसी का हिस्सा बन रहे हैं तो आप उस चीज को, उस एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं। सो आई एम कमिंग फ्रॉम अ लिटिल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, इसीलिए इसको रेगुलेट करना भी बहुत जरूरी है। एंड वो रेगुलेशन अभी तक आए क्यों नहीं पता, क्योंकि रेगुलेट कर नहीं पा रहे। सो एंड दैट इज व्हाई ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वगैरह के लिए यूज किया जा रहा है। मेरे ख्याल से अब इस चर्चा को हमें समाप्त करना चाहिए, क्योंकि खाना भी ठंडा हो रहा है और सबको पार्टी भी वापस शुरू करनी है। लेकिन कुल मिला के सार यही है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, इसमें बैलेंस नहीं है, और यही सबसे बड़ी मांग है जो वित्त मंत्री साहिबा से तमाम महिलाएं यहां पे जो हैं वो कर रही हैं। मुझे भी इस चर्चा में फिलहाल इजाजत दें। नमस्कार।